हे गाइस, एमजी मोटर जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस गाड़ियां निकाल चुकी है, उनमें से सबसे फेमस गाड़ी उनकी रही है आज तक की एमजी हेक्टर। अब वो ला रहे हैं एमजी हेक्टर का फेसलिफ्ट अपडेटेड वर्जन 2023 के लिए। अब एमजी हेक्टर की फेसलिफ्ट वर्जन में काफी सारे आपको नए चेंजेस देखेंगे। गाड़ी जरूर देखने में आपको वैसे ही लगेगी, लेकिन बहुत सारे माइनर और मेजर चेंजेस हैं। जैसे आपको फ्रंट ग्रिल पूरा ही अपडेटेड मिलेगा, साइड की लाइनिंग अलग मिलेगी, पीछे टेल लाइट में अलग लाइनिंग मिलेगी और थोड़ी सी गाड़ी की हाइट ज्यादा देखने की, गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा मस्कुलर और शार्पर दिखाई देगी। और देखा जाए तो गाड़ी में मेजर अपडेट में आएगा आपका नया बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेटर राइड क्वालिटी। अब न्यू आने वाली एमजी हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट वर्जन आएगा 3 स्पेक में, जो कि रहेगा स्मार्ट, शार्प और शार्प XE। एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट वर्जन का प्रोडक्शन चालू हो चुका है और ये गाड़ी लॉन्च होगी मेरे ख्याल से जनवरी 2023 ऑटो एक्सपो में, या तो मिड मार्च में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। मैं न्यू फेसलिफ्ट एमजी हेक्टर की प्राइसिंग की बात करूँ तो ज़्यादा प्राइसिंग में चेंज नहीं आएगा। ये गाड़ी तकरीबन 18 लाख से चालू होगी, 26 लाख तक आपको मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर मॉडल। अब इस गाड़ी के सेगमेंट में बहुत सारे इसके राइवल रहेंगे जो कि अभी बहुत शानदार चल रहे हैं, जैसे कि देखा जाए टाटा हैरियर, जीप कंपस, महिंद्र स्कॉर्पियो एन और XUV 700। और अभी अभी नया आया है वो सबसे बड़ा कंटेंडर रहेगा इसका, इनोवा हाई क्रॉस। अब बात करते हैं हुड के अंदर आपको क्या मिलेगा। देखा जाए तो ऐसे कोई इंजन ऑप्शन में कोई चेंज नहीं आया है इसमें, आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन ही मिल रहा है। दी पावर विल बी अराउंड 141 BHP की और टॉर्क रहेगा इसमें 250 Nm। अब डीजल इंजन की बात करी जाए तो इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 168 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क। दोनों इंजन पेयर होते हैं 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। अब गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपको बहुत सारे चीज़ें दिखेंगी, जैसे फ्रंट में जब जैसे ही आप देखेंगे आपको न्यू डायमंड कटेड ग्रिल दिखाई देगी, नए हेडलाइट दिखाई देंगे और आपको नए बम्पर चेंजेस दिखाई देंगे। बोनेट में थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस आए हैं, गाड़ी की साइड लाइनिंग भी देखा जाए तो और नई हुई है। गाड़ी थोड़ी सी साइज में बड़ी दिखाई दे रही है पर मुझे लगता नहीं है कुछ चेंजेस आए हैं। गाड़ी में पूरी चारों तरफ फोमिंग का काम हो रहा है और ये रेड कलर में बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। और इसमें आपको न्यू 18 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स हैं। अब बात करते हैं एमजी हेक्टर की इंटीरियर की, तो इंटीरियर बहुत ज़्यादा एयरी बनाया गया है, बहुत ज़्यादा स्लीक लाइनिंग आई है। इसमें आपको न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगी आपको, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आपको 7 इंच का तो खाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल और दुनिया भर की चीज़ों के साथ आता है। गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटोमेटिक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। गाड़ी के सबसे बड़े अपडेटों में से एक ये है कि इसमें आपको न्यू 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, न्यू सेंटर कंसोल मिलता है, आपके यहाँ तक जो गियर लेवल है वो भी चेंज हो गया है। ब्रेक फीचर जो आजकल हर गाड़ियों में आ रहा है, ADAS सिक्योरिटी सिस्टम, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे और बाकी सब कुछ मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब।